फौज की जॉब एक टफ जॉब है, वो नहीं कर पाएगी। फौज में जाएगी, अफसर बनेगी, ये हो ही नहीं सकता। मैं भी जा सकती हूँ आर्मी में। नहीं बेटा, तुम नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी सिलेक्शन नहीं होनी आरजू। सरदार का बेटा तो मर्द है, तुम्हारी बेटी मर्दों की तरह फौज में काम करेगी। यार काम का आपने फौज का क्लियर डाल दिया उसके दिमाग में। मैंने कब डाला अब्बा, खुद फैसला लिया उसने। मगर बेटा शादी करनी थी उसकी। अम्मी मैं ये चाहती हूँ कि मैं सिर्फ शादी के लिए ना जाऊँ, लेकिन मुझे दुख होता है कि मैं अपने डिपार्टमेंट की टॉपर होकर घर में बैठी हूँ और मुझसे नीचे के लड़के और लड़कियाँ दुनिया फतह कर रहे हैं। फैसला ले लिया मैंने, मुझे फौज में जाना है। जो काम हमारे गाँव के लोगों ने नहीं किया, हमारे खानदान वालों ने नहीं किया, वो एक लड़की करेगी। ये फौज है, ये नहीं देखती, ये काबिलियत देखती है। मैं गोली मार दूंगा उसको। क्या सीख रही है, मर्दों वाली चीजें सीख रही है? अम्मा इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये मर्दों वाली चीज है? औरत उठाएगी ना तो औरत वाली बन जाएगी। तुम और आर्मी, आप मुझे चैलेंज कर रही हैं? चैलेंज तो उसको किया जाता है ना जो कुछ करने की कोशिश भी करे। कभी कभी मेरा जी चाहता है कि हमारी बेटी भी सिंगर बने। आरजू तो वो बनेगी जो उसकी आरजू। तुम्हारे अलावा किसी चीज की परवाह नहीं है मुझे। फौज की परवाह है, अफसर बनना है ना तुम्हें। जरूरत है, जरूरत मोहब्बत से बड़ी होगी तुम्हारी नजरों में। Father got his training from PMA? Yes. What happened to him? He was martyred in a terrorist suicide attack. रुके ना भी तू रुक ना पाए, कर ले खुद से ये अहद। चूड़ियों की इस घर की इज्जत जिस तरह लेकर जा रही हूँ ना, उसी तरह वापस लेकर आऊंगी, बल्कि बढ़ा कर लेकर आऊंगी। Let me tell you that our men fight to defeat the enemy, but it is our women who make us invincible.